भारत में कला के प्रति बहुत प्रेम देखने को मिलता है, जिस वजह से भारत में आज भी ऐसे ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनकी कला देख आप भी चौकन्ने रह जाएंगे। वैसे ही आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी आर्टिस्ट के बारे में बताएंगे जो अपनी चित्रकला से चावल के दाने से लेकर बालों तक में अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्होंने चावल के दाने पे पूरा राष्ट्रीय गीत से लेकर गायत्री मंत्र लिख रखा है एवं बालों पर भी इन्होंने अपनी चित्रकला दिखाई है। तो अगर आप भी पेंटिंग बनवाना चाहते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे इस आर्टिस्ट के बारे में कि इनकी क्या खासियत है, इन्होंने क्या क्या बनवाया है और अगर आपको पेंटिंग बनवाना है तो आप इनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदर्शन पारिकर है। आपने कहाँ से स्टॉल लगाया? मैं राजस्थान से आया हूँ, किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से आया हूँ। आपके पास क्या क्या है स्टॉल पे? स्टॉल पे मेरे पास माइक्रो मिनिएचर, मिनिएचर और पिछवाई पेंटिंग्स है। मैं इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो उन तीनों चीज के बारे में? इन तीनों चीजों के बारे में पहले क्या होता था, पहले पिछवाई मीन्स पीछे, आपके पीछे क्या लगा हुआ है, सीन क्या लगा हुआ है, उसको पेंटिंग उसको पिछवाई कहते हैं। पिछवाई बेसिकली श्री कृष्ण से रिलेटेड जो भी थीम होती थी उससे उस पर बनती थी, उसे पिछवाई बोलते थे। उसे पिछवाई रिलेटेड जो भी पेंटिंग, जो भी उससे रिलेटेड, उसे पिछवाई कहते थे। पिछवाई का फिर क्या, वो बड़े साइज में होने के कारण उसको लाने ले जाने में, उसको फ्रेमिंग कराने में दिक्कत आती थी, तो उसका छोटा रूप निकाला गया मिनिएचर। मिनिएचर और मिनिएचर को मैंने फिर और छोटा कर दिया तो उसको माइक्रो मिनिएचर में टर्न आउट कर दिया। माइक्रो भी तो दिखा सकते हैं आप, माइक्रो मिनिएचर और मिनिएचर जरूर जरूर मैम। ये रहे माइक्रो मिनिएचर की पेंटिंग्स मेरी, एक तो ये रहे माइक्रो, और इनमें एक बाल पे जो राइटिंग होती है उस उनके बराबर उसमें इसमें वर्कमैनशिप करी गई है। अच्छा, और इससे छोटा इसमें माइक्रो डिटेल्ड है ये पूरा। अब जैसे ये आप देखेंगे इस एक हाथी में 33 हाथी है पूरे, इस हाथी के अंदर 33 हाथी है, 33 एलिफेंट्स है इसमें, दो इसके दांत में है। मैं काउंट कराता हूँ, देखो आपको, ये 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 10 11 12, और फिर ये 13 14 15 16 17 18, ये पूरे के पूरे देख रहा है जी, पूरे हाथी 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 है इसमें। अच्छा, और इसके बाद और कौन सी पेंटिंग है आपके पास? इसके बाद में फिर मेरे, जैसे मैं बारीक काम करने लग गया तो मेरे पापा ने मुझे इंस्पायर किया कि बेटा तू चावल पे या बाल पे भी राइटिंग कर सकता है या पेंटिंग बना सकता है। तो फिर मैंने चावल पे शुरू किया, मैंने तो चावल पे ये पूरा इसमें गायत्री मंत्र है पूरा लिखा हुआ, और ये मेरा पूरा बिजनेस कार्ड है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ, मेरे पापा का नाम है, मेरा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी है। इस पूरे चावल के दाने पे, एक चावल के दाने पे, और हेयर वाले पे जो आपने लिखा था, ये मैं बाल पे भी राइटिंग कर सकता हूँ, तो ये बाल, ये हेयर पे लिखा हुआ है, हेयर पे लिखा हुआ है, ये बाल पर, सफेद बाल पे लिखा हुआ है। और सर आप इस लाइन में कितने सालों से? मैं 98 में मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, उसके बाद में मेरे फैमिली बिजनेस, फैमिली काम था तो उसी में इन्वॉल्व हो गया मैं, तो लगभग 25 से 27 साल हो गए मेरे को। और ये आपकी तीसरी पीढ़ी है? मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ। अच्छा, प्राइस की बात करें तो कितने से होगी? प्राइस डिपेंड करती है कि उसको बनाने में कितना टाइम लगा, जैसे टाइम, हाँ टाइम कितना लगा, कि जैसे उसमें अगर 3 दिन लगता है टाइम किसी पेंटिंग को बनाने में, तो 3 दिन का जो वेजेज होता है 800-900 रुपये जो पर डे का वेजेज होता है, उसके अकॉर्डिंग प्लस उसमें थोड़ा सा कलर मटेरियल और का ऐड करके। अच्छा, तो अगर नॉर्मल इस पेंटिंग की बात करूँ, मिनी पेंटिंग की, तो इसका क्या प्राइस होगा? ये जैसे इसमें 33 एलिफेंट्स है ना मैम, तो इसको बनाने में लगभग 6 दिन लगे, तो ये लगभग 6000 रुपए की पेंटिंग होगी। 6000 की पेंटिंग होगी। और ये जो छोटे छोटे चावल के दाना पे अगर हो या हेयर पे कुछ लिखवाना हो तो इनका क्या प्राइस होगा? चावल के ऊपर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ में ये बॉक्स भी देता हूँ, और ये जो भी टेक्स्ट मैसेज कोई भी कुछ भी लिखवाना चाहता है तो 500 रुपीज का विद मैग्नीफाइंग देता हूँ। 500 रुपीज का, और हेयर पे 2000 रुपीज। नहीं ऐसा वर्ड लिमिट, जैसे अगर ज्यादा होंगे तो फिर एक, क्योंकि इसमें जो स्पेस है ना मैम वो लिमिटेड है, तो वो 30 लीटर तक आता है, अगर ज्यादा होंगे तो मैं दो बाल पे लिख के दूंगा। दो बाल पे आप लिख के दो। हाँ। अच्छा, और ये पीछे जो पेंटिंग है उनकी क्या प्राइस होगी? इनकी प्राइस भी डिपेंड करता है वर्कमैनशिप पे, जैसे बीच वाली है 9500 की है, उधर वाली 3500 की है। स्टार्टिंग कितने से स्टार्ट है आपका प्राइस? स्टार्टिंग 50 रुपए से शुरू है मैम। 50 रुपए से शुरू है, 50 रुपए से शुरू है, ये 50 रुपए की है। और ये सब हैंडमेड, मतलब सब आपने ही बनाया? हाँ, हैंड पेंटेड है, ये कपड़े पेंटिंग है, ये हमारे पास बच्चे जो सीखने आते हैं ना मैम, उनको हम पहले 2-3 दिन ट्रेनिंग देने के बाद में फिर ये पुराने यूज्ड पोस्ट कार्ड दे देते हैं, तो उन पर ये पेंटिंग बनाते हैं, उनको अर्निंग शुरू हो जाती है तो वो मोटिवेटेड रहते हैं, तो वो ज्यादा इसमें और इन्वॉल्व हो सके। तो किसी को करवाना हो, खरीदना हो, तो कैसे खरीदेगा आपके पास? खरीदने के लिए तो
कुछ भी अगर कस्टमाइज वर्क होता है, उनका खुद का कुछ बनवाना होता है, तो हम बना के देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप अगर मान लीजिए एग्जीबिशन के बाद किसी को खरीदना हो तो आपसे कोई कैसे कांटेक्ट करेगा? ऑनलाइन की व्यवस्था है? ऑनलाइन की तो नहीं है, लेकिन ऑर्डर कर सकते हैं मेरा। अच्छा, ऑर्डर कर देने के बाद से आप वहाँ पे डिलीवर कर दूंगा मैं। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। रिया पांडे, लोकल 18, दिल्ली।